जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। मैं बताने वाला हूँ एक BTUP से नई और लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो कि आप लोग के प्लेसमेंट के बारे में है। देखिए, प्लेसमेंट की वजह से कुछ सेल बंद किए गए हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपको ऐसी अपडेट देखने को मिल जाएगी। उन्नाव के न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में देखेंगे तो ये अपडेट आपको दिख जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका भविष्य कैसे खतरे में, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके पास ऑप्शंस हो रहे हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए और सब चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके प्लेसमेंट और बात आपके फ्यूचर की है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, कोई भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 सेमेस्टर हो, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर हो, तो इन सभी तीनों ब्रांचेस की क्लासेस आपके स्टडी पावर पॉइंट ऐप पे लॉन्च कर दी गई हैं। यूपी में तो सभी क्लासेस चलाई जा रही हैं, पूरी तरीके से चल रहा है। अब आपके जो कोर्सेस आ चुके हैं बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, साथ ही साथ और जैसे दिल्ली वगैरह बोर्ड हो गए, इन सभी में भी आ चुके हैं। तो जो लोग इस स्टेट से स्टूडेंट, वो भी एडमिशन करा के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम भी पास में आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं है और काफ़ी तेज़ी से कोर्स भी खत्म काफ़ी कर दिए गए हैं। अगर आप भी एडमिशन में देरी करेंगे तो आगे चल के एडमिशन लेते तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए देर ना कीजिए, समय रहते एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपकी समय पर पूरा रिविजन, पढ़ाई, सब चीज़ कंप्लीट हो चुके। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप पहले अपडेट यहाँ पर समझिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। इस अपडेट के बारे में आप देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक छात्रों को नौकरी दिलाने के लिए बनी एक सेल, यानी प्लेसमेंट जो सेल थी उसे बंद कर दिया गया। आखिर वो उसका क्या नाम था, क्यों बंद किया गया, क्या उसका डाटा रहा है, सब कुछ समझते हैं। साथ ही साथ डाटा लीक करने का भी आरोप यहां पे देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, कहा जा रहा MOU हुआ खत्म, केवल एक ही रोजगार मेला ही आयोजित करा सकी। देखिए कहां से अपडेट आ रही है, कानपुर से। कानपुर से अपडेट जो निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं, सीधे और सही शब्दों में कहा जा रहा है कि पॉलिटेक्निक छात्रों का प्लेसमेंट कराने के लिए बनी उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, यानी UPSTPC बंद हो चुकी है। इसकी स्थापना लखनऊ में, ठीक है, उप संयुक्त प्रवेश परीक्षा में की गई थी। 2019 में बनाई गई इसको, ठीक है। संचालन की जिम्मेदारी एक OMU के तहत मेधा फाउंडेशन को दी गई थी। UPSTPC की अगर हम बात करें, माध्यम से कितने छात्रों का प्लेसमेंट हुआ, हालांकि 2019 में बन चुकी, अब ये 22 चल रहा है, तो 2-3 साल के बीच में जो पूरा हुआ है, कितने लोग का प्लेसमेंट वगैरह हुआ, इसका विभाग के पास आंकड़ा ही नहीं। बोर्ड कौन सा है, कुछ समझ में आ रहा भाई BTUP का, कुछ किसी को तो बता देगा कमेंट में, ठीक है। मुझे तो देखो समझ में नहीं आ रहा, आंकड़ा तक नहीं है। मान लो बंद हुआ, आंकड़ा रहता था, जैसे मान लो 10,000 स्टूडेंट या 5,000, बहुत कम स्टूडेंट का प्लेसमेंट रहता है, नहीं रुचि ले रहे थे, कुछ एक अनुमान होता तब बंद होता, तो कहा जा सकता था भाई क्यों बंद होगा, लेकिन आंकड़ा ही नहीं है कि क्यों बंद होगा। तो देख सकते हो कितना बहुत, मतलब भविष्य खतरे में ही दिख रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं। कहा जा रहा है कि स्थापना के समय दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश स्तर पर प्लेसमेंट का आंकड़ा बढ़ाने के लिए UPSTPC के माध्यम से संयुक्त रूप से प्लेसमेंट सेशन और ड्राइव आयोजित की जाएगी, पर शुरुआत में केवल एक रोजगार मेला आयोजित किया, इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो आप देख सकते हैं क्या हालत है ये। आगे देखिए, अगर हम अपने स्टूडेंट की माने तो आप क्या इस पर राय है, तो आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोग का प्लेसमेंट अभी तक हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पे छात्रों का कुछ आरोप है जो कि जरा डेटा बेच दिया गया, डाटा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी अपडेट यहां से फिर निकल के, स्टूडेंट भी एकदम धावा बोल दिया है। कहा जा रहा है कि फाउंडेशन ने प्लेसमेंट के नाम पर प्रिंसिपलों को पत्र भेजकर UPSTPC पोर्टल पर छात्रों का विवरण मंगवाया था। छात्रों और संस्थाओं ने विवरण उपलब्ध भी कराया, लेकिन नौकरी ही हाथ नहीं लगी। बात करें, वही छात्रों का आरोप है कि हम लोगों का डाटा, ठीक है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को बेचा गया है। हम लोगों के पास कई बार आउटसोर्सिंग कंपनियों के नौकरी से कॉल भी आई थी। साथ ही साथ देख सकते हैं, जब नंबर और विवरण कहाँ से मिला पूछा गया, तो भैया फोन ही इन्होंने काट दिया। तो भैया कैसे, आप खुद सोचिए, आपका डाटा लीक हुआ है कि आप पढ़ रहे हैं, आपका डाटा कैसे आउट कंपनियों को पहुंच जा रहा है, कहां से पहुंच रहा है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, जो डेटा है BTUP का, वो सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं सिक्योर है, आप देख रहे होंगे, अभी जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जितने स्टूडेंट भी ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे रहेंगे, कुछ दिनों बाद वह देखेंगे उनका काउंसलिंग नहीं हुआ, या फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके पास कॉल आती है किसी प्राइवेट कॉलेज से, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन आती आ चुकी है। जबकि जब इससे पहले मैं 2017-18 फॉर्म भरा था, और उस टाइम मैं प्राइवेट कॉलेज लिया था, तो मेरे पास हर साल, मतलब 2 साल तक,
यह कॉल आई थी, ठीक है, पूछा गया सर मतलब आप कहाँ से एडमिशन ले रहे हैं, आप यहाँ से ले लीजिए, बहुत अच्छा कॉलेज है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें कहते थे। तो देख सकते हैं कि डाटा लीक करने के बाद, जो कि बिल्कुल सही मैं मानूंगा क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, लेकिन अब अपडेट में आ रहा जो कि आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें कही जा रही है, कहा जा रहा है UPSTPC के संचालन के लिए मेधा फाउंडेशन ने 2019 से 21 तक OMU था जो खत्म हो गया, UPSTPC को बंद कर दिया गया, संस्थान अपने स्तर तक प्लेसमेंट करा रहे हैं, इस सत्र के अंत में हम बीते साल के प्लेसमेंट के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। ओ बाप रे क्या बात कर दी। आगे देख सकते हैं राम रतन जो कि प्रभारी BTUP सचिव वगैरह की बातें कही जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। मैं देखिए इस पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि यह अपडेट इतना सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है। देखिए प्लेसमेंट की बात अगर करें तो प्लेसमेंट अभी काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई जो कि एडमिशन भी एप्लीकेशन पर ले चुके हैं, साथ साथ वैसे भी स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ कंपनियाँ आई थी, प्लेसमेंट हो चुका है, कंपनियों ने कह दिया आइए काम कीजिए, एग्जाम टाइम में हम छुट्टी दे देंगे, आप चले जाइएगा, या कुछ कंपनियां सिलेक्शन कर ली हैं, कहीं है कि एग्जाम जैसे हो जाएगा आप तुरंत आ जाइएगा। तो प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है, कॉलेज में डायरेक्ट कंपनियां वगैरह जहां पे आयोजित हो पा रही हूं वहां से हो रहा है। लेकिन अगर हम कहना चाहेंगे अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाता है तो ऑफ कैंपस आप प्लेसमेंट ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा दिक्कतपूर्ण होगा। अगर एक चीज़ और बता दें, अभी आप लोग इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं जानते हैं तो इसीलिए ऑन कैंपस जब आपका प्लेसमेंट होगा थोड़ी सैलरी कम रहेगी, यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो आप कंपनी चले जाइएगा। मैं आपसे रियलिटी बताऊं तो एक बार अगर कंपनी का माहौल आप देख लेंगे, 2-4-10 लोगों से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, फिर आपकी सैलरी भी बढ़ने लगेगी, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप सोचेंगे अगर अभी से सब कुछ हो जाए आपको अच्छी सैलरी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने 2-3 सालों में तो ये देखे ही हैं, ठीक है। डिप्लोमा वालों को 10-12 हज़ार सैलरी दी जाती है, अगर आपका कोई रेफरेंस है कोई पकड़ है तो 15 से 18 हज़ार के बीच जा सकती है, ठीक। तो आप अपना ओपिनियन बताइए इस प्लेसमेंट सेल के बंद होने से, साथ ही साथ इसका कोई डाटा तक नहीं कि कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट कराई, प्लेसमेंट का तो पता नहीं लेकिन डाटा बेच दिया ये जरूर पता है, क्योंकि स्टूडेंट का कॉल, स्टूडेंट नहीं तो कई कॉलेजेस कॉल आया है, तो इस वजह से अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहा उससे कुछ दिन बाद एंट्रेंस एग्जाम बाद पूछिएगा तो डाटा जरूर उनके पास कॉल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, ठीक है। तो यह देखिए पूरी अपडेट थी, आप लोग के भविष्य पूरे खतरे में है, आप लोग अभी से सचेत हो जाइए कि आपको प्लेसमेंट कैसे लेनी है, क्या करना है। ऑफ कैंपस जा रहा है तो 2-4 लोगों से पकड़ रखिए ताकि कोई बाद में इन फ्यूचर कोई दिक्कत भी ना आए, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होने ही वाली है, ठीक है। तो आई होप इस अपडेट को आप लोग समझे होंगे, बाकी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया रेड कलर का, उसे सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसी तरीके से प्लेसमेंट और जो भी अपडेट रहेगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जाते जाते यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक स्टडी पावर पॉइंट ऐप नहीं डाउनलोड किया, 2, 4 और 6 सेमेस्टर में एडमिशन नहीं कराएं तो करा लीजिए, भविष्य आपके पढ़ाई के क्षेत्र में तो नहीं खतरे में रहने दूंगा, वो पूरी तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो बस यही इतना ही, अब मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।